सबसे पहले मोहम्मद शफी भट्ट साहब और म्यूनसिपल कौंसिल बारामूला साहब, म्यूनसिपल कौंसिल बारामूला और मोहम्मद यूसुफ साहब का मैं बहुत ही मशहूर हूँ कि उन्होंने कोशिश की सफाई अभियान की। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मोहम्मद शफी भट्ट साहब ने जो भी बातें की हकीकत है, मगर एक बात मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि म्यूनसिपल कौंसिल बारामूला ने इस बार एक स्कीम चलाई है हर एक घर के जाकर डस्टबिन की, और मार्केटों में भी है। मैं चाहता हूं सारे दुकानदार और सारे घर वाले इसका फ़ायदा उठाए, क्योंकि कोई ज़्यादा पैसा है नहीं, 100 रुपये महीने का देना है, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा मसला नहीं है। और सबसे एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जहां पर भी चाहे मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव है, प्रेसिडेंट है और माले प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बनना एक छोटी सी बात है उनके लिए, बस प्रेसिडेंट बन गया तो हम बन गए प्रेसिडेंट, मगर उनके लिए म्यूनसिपल कौंसिल के पास जाना है और सफाई पर ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी मोहम्मद शफी भट्ट साहब की जिम्मेदारी है, जितना इसके हाथ में है या जहाँ तक इसकी नज़र पड़ती है या कोशिश करता है, उससे ज़्यादा हमारी खुद की जिम्मेदारी है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ लोगों को सबसे पहले, क्योंकि ये जो हदीस पाक मोहम्मद शफी भट्ट साहब ने पढ़े हैं, तो ये तो मुसलमान होने के नाते हमें इस पर ईमान होना चाहिए, हम इस पर अमल नहीं करते हैं। सबसे पहला ज़्यादा तो मैं बातें नहीं करना चाहता हूँ कि मोहम्मद शफी भट्ट साहब ने पूरी आवाम को कहा है कि जागो, होशियार रहो, सफाई का खास ख्याल रखे, कूड़ा करकट दरियाव के सामने मत डाला करे, बेहतर है, क्योंकि डस्टबिन है, चाहे दुकानदार हो कहीं भी, पूरा बारामूला में जितने भी मार्केट है, करीबन 5-7 हज़ार दुकानें हमारी, उन पर भी यह जिम्मेदारी होती है। 4-4, 5-5 दुकानदार अगर एक डस्टबिन लेगा तो उसको महीने में 20-25 रुपये देना पड़ेगा। अच्छी बात है, इनके सफाई इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं और हम सबसे जिम्मेदार हम हैं, हमें कोशिश करनी है कि हम ठीक रहे। जब हम किसी इदारे को के साथ मिल जाएंगे और किसी इदारे को सपोर्ट करेंगे तो नेशनली इसका हल हो जाएगा। देखिए, यहाँ का जो आज का सफाई अभियान है, ये म्यूनसिपल कौंसिल बारामूला, यहाँ का लोकल जो मंडल है शाला साहब की ज़ेर सदारत में, और सिविल सोसाइटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हमने यहाँ पर आज ये सफाई का एक अभियान चलाया है ताकि लोगों में एक हम मैसेज दे सकें कि सफाई हमारा निस्फ ईमान है और हमें अपने माहौलियत को कैसे साफ़ रखना चाहिए। हदीस शरीफ में भी है, अत्तहूर निस्फुल ईमान, अत्तहूर शत्रुल ईमान, दो हदीसें आई है सफाई पर। एक का मफहूम यह है कि जो सफाई है वो ईमान की शर्त है, ईमान की अवलिन शर्त सफाई है, और दूसरी हदीस में कहा गया है कि सफाई निसफ ईमान है। इसी चीज़ को हम यहाँ लोगों के बीच लाना चाहते थे और हमने यहाँ पर जो ये सफाई अभियान का आज यहाँ से आगाज़ किया है आज़ादगंज मार्केट में, और इसमें शाला साहब ने हमारा भरपूर साथ दिया और हम म्यूनसिपल कौंसिल बारामूला के बड़े ममनून है कि उन्होंने अपने आदमी यहाँ पर भेजे, अपने कर्मचारी यहाँ भेजे और हमें इस काम में उन्होंने भरपूर तआवुन किया। खासकर मोहम्मद यूसुफ और जो एग्जीक्यूटिव अफसर यहाँ इम्तियाज़ुल हक है, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस काम में भरपूर साथ दिया। देखिए, ये सफाई अभियान अगर आज से नहीं चल रहा है, अगर आपको याद होगा तो मैं बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का वाइस चेयरमैन हूँ, जेके अगेंस्ट करप्शन, तो उस स्लोगन के स्वच्छ भारत के या सफाई निसफ ईमान के स्लोगन के तहत हमने इससे पहले भी 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 में भी ये सफाई अभियान किए, और हम इस काम में बराबर इश्तराक करते रहते हैं। जो यहाँ म्यूनसिपल कौंसिल है इनके साथ और दीगर जितने भी यहाँ गैर सरकारी तंजीमें, उनके इश्तराक से हम ये सफाई अभियान करते रहते हैं, और ये इंशाल्लाह ताहयात जारी रहेगा। बारामूला को हमें साफ़ सुथरा एक टाउन बनाना है, इसमें हम काम करते रहेंगे। वैसे अपील है कि वो दरिया के किनारों को खुदारा
ये आलूदा ना करें, क्योंकि यही पानी है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी, वज़ू के लिए भी, हर चीज़ के लिए। अब लोगों को भी ये सोचना चाहिए जिस पानी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं रोज़मर्रा कामों के लिए, चाहे पीने के लिए हो या और किसी काम के लिए, उस पानी को आलूदा नहीं करना चाहिए। दरियाए जहलम बारामूला में एक रहमत है और इसके किनारे बड़े खूबसूरत किनारे हैं। अब खुद ही लोग अगर इनको पोल्यूट करेंगे तो हम किससे फिर शिकायत करेंगे? लोगों को चाहिए कि वो डस्टबिनों का इस्तेमाल करें, दरिया के किनारों को आलूदा न करें, जिस वजह से यहाँ के जो माहौलियात है उसमें बहुत ही यहाँ आलूदगी पाई जाती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो बारामूला का कस्बा हो वो आलूदा हो। हम चाहते हैं कि बारामूला साफ़ सुथरा एक ऐसा टाउन हो जैसे हमारे पास लेह लद्दाख है। वहाँ पर अगर देखें आपकी सफाई का वहाँ पर कोई फुकदान नहीं, बल्कि सफाई की वहाँ की मिसाल दी जाती है। तो यही मेरी मैसेज रहेगी यहाँ के लोगों से कि आप भी इस काम में हमारा तावन कीजिए। घर में आप जो कूड़ा करकट निकालते हो वो डस्टबिन में आप डाल के, जो हमारी गाड़ियाँ वहाँ फिर जाती हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, उनके साथ आप रابطہ रखें, रابطہ कीजिए और उन्हीं में आप वो सारा कूड़ा करकट डाला कीजिए। रोड पर, नालियों में, दरिया किनारे पर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हमारे पास फैसल